ऐसा बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, जब शिवा मुंबई में पहली बार आए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी, जब फिल्मों में आए भी नहीं थे तब के मेरे मित्र हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है एज ए डायरेक्टर वो पहली पिक्चर अपना ये बना रहे हैं कैंडी ट्विस्ट, और उनके हीरो यहाँ पर मौजूद हमारे इस फिल्म के, मुझे बहुत खुशी हो रही है। शिवा मेरी जान, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत उन्होंने मुझे बुलाया याद करके, बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आए नहीं थे तब से मैं जानता हूँ आपसे, एकदम ही चिकना ऐसा बैग लेके घूमता था यूँ। और क्या क्या चाहिए कि कभी मिलकर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करने का है आगे फ्यूचर में प्लानिंग है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं कॉमेडी और यू नो नेगेटिविटी का? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इनके दिमाग में बात आनी चाहिए ना, हम कैसे बोलेंगे, हम तो इस तरह कभी गए नहीं। सर आप सोचो कि अगर मैं ऐसे लेजेंड्स के साथ काम करूंगा, वेयर आई विल रीच, बिकॉज इनमें इतनी एक्सपर्टीज है, इनमें इतना एक्सपीरियंस है कि मैं कितने भी लेयर वाले कैरेक्टर लाऊंगा वो बाखूबी निकालेगा, और मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें भरी हुई है क्योंकि इतने साल से एज एन एक्टर हूँ मैं, तो एज एन एक्टर मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे अभी एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करना है, तो मैं अपने अलग अलग कैरेक्टर्स इन किरदारों में देख सकता हूँ। लेकिन सर ये सवाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमेडी क्या है, अभी लोग हंसना चाहते हैं, यहाँ तक के न्यूज़ में भी हंसना चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ में भी बोलते कुछ हंसाऊ को, अगर उसमें भी कॉमेडी ना हो तो आगे चैनल मतलब रिमोट ये कर देते हैं, तो कॉमेडी क्या है, आज के लोग जो है ना टेंशन के दौर में लोग हर बात में हंसना चाहते हैं, कुछ कड़वी बात हो तीखी बात हो उसमें भी कॉमेडी चाहिए, इसके लिए हमारे विलन और हीरो भी कॉमेडी करते हैं ताकि पूरी फिल्म जो है लोग हंसते खेलते देख के निकले। आप हमको स्टोरी समझाओ लेकिन हंसते हंसते समझाओ, ये लोगों के लिए हो गया है, तो इसलिए कॉमेडी को कॉमेडी बिगिनिंग से लेकर एंड तक होते ही, ये ज़रूरी नहीं कि विलन ने कॉमेडी कर सकते हैं, क्यों नहीं, कॉमेडी पहले से होती आई है, अभी ज़्यादा हो गया क्या, दिलीप कुमार साहब ने कॉमेडी नहीं की, विलन जीवन साहब ने कॉमेडी नहीं की, सब ने कॉमेडी की, ओम प्रकाश जी करते थे, जितने विलन थे वो भी कॉमेडी, प्रेम चोपड़ा ने कॉमेडी नहीं की है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दौर है, समझे गए, तो आज कॉमेडी हर चैनल में कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, लोग हंसना चाहते हैं। इसके बाद मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी कहानी है, और बिकॉज आजकल जिस सर ने बोला कि आजकल कॉमेडी लोग हंसना चाहते हैं, दे वॉन्ट एन एंटरटेनमेंट, दे डोंट लुक क्राई, यस, सो ये फिल्म के बाद जो एंटरटेनमेंट दिया मैंने, ये थ्रिलर बनाया, बट नाउ आई वॉन्ट टू प्ले इन अ डिफरेंट जॉनर, तो मैंने ऑलमोस्ट अपनी दो तीन ऐसी कहानियाँ बना ली है जिसमें ये सारे किरदार ऐसे हंसाएंगे आपको, मतलब वेट फॉर 2020 एंड एंड देयर विल बी अ ब्रिलियंट रोलर कोस्टर फिल्म विद एक्टर्स लाइक हिम। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्टर डेब्यू था, क्या कहना चाहेंगे, मतलब अरे मैं आया हूँ, मैं बहुत कम आता हूँ प्रीमियर पे, तो मेरा भाई है छोटा, और बड़ी खुशी की बात है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, इसलिए आया हूँ, टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड आदमी है, एक्टिंग के वक्त भी हम लोग एक दूसरे से मशवरा करते रहते थे। अरे आप भी मान सकते हैं, मैं तो हमेशा सीखा हूँ, आप नहीं मानेंगे गाइस, हाँ आई नो, आप नहीं मानेंगे, मैं जब मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारती करता, लेकिन तो जब से मैंने फिल्म देख रहा था तो इनकी फिल्में देखता था, मुझे आज भी याद है खोखा 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 नाम है ना, और उसके बाद जो ये था वो मैं स्कूलों में करता था, इसलिए आपको नहीं ले रहा नहीं, मैं जो काम करता हूँ सबको मालूम है, ये मुझे यकीन है कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे इस चीज़ को, लेकिन मैंने ये फिल्म छोटे से शुरुआत इसलिए की कि मुझे मेरा बजट बहुत कम था, एंड दे आर बिग एक्टर्स, नहीं बजट की बात नहीं, फिल्म मेकिंग बजट के, बिकॉज मैंने सही बोल दिया है, तो बोला साफ सुथरी चाहिए तो इसलिए और मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म जब बने और फिल्म ये चले तो मैं इन जो लेजेंड्स के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, उनको मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, दिस इज़ माई ड्रीम, एंड आई होप आप लोग जो सामने वो ऑडियंस देख रही हैं वो मेरा हेल्प करें, दे शुड यू शुड हेल्प मी आउट टू बी अ गुड डायरेक्टर सो आई कैन वर्क विद दिस लेजेंड्स। क्या बात है, अच्छा बात, हेलो बच गया, नहीं तो इससे भी मार खानी पड़ती है। हाय, हाउ वाज एक्सपीरियंस, सॉरी
शिवा सर के साथ कैसा अनुभव था काम करने का? बहुत अच्छा था और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज दिस माई फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म एज अ डेब्यू में कर रहा हूँ और इतने सीनियर एक्टर्स मेरे सामने, इतने एक्सपीरियंस एक्टर मेरे सामने, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और यू कैन यू नो फील माई हार्ट बीट इज जस्ट पम्पिंग आउट. थैंक यू सो मच. सो या सो व्हाट डू यू से मतलब एज अ एक्टर, क्या कैसे मेंटोर किया आपको, कैसे गाइड करते सर ने? बहुत अच्छे से एक्चुअली मैं इनको एज अ मेंटोर ही देखता हूँ क्योंकि डायरेक्टर सर, मतलब जब एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर तो हम देखते हैं इतने टाइम तक सर को, बट जब एज अ डायरेक्टर सर थे तो बहुत ज़्यादा हमें कंफर्ट जोन में रखा, बहुत अंडरस्टैंडिंग वे में सीन्स को समझाना और बहुत अच्छे से फिल्म को प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन लेके आना और आज फिल्म रिलीज है फाइनली. तो सर का बहुत बड़ा इसमें मैं बोलूँगा कि दे हेल्प अस अ लॉट फॉर दिस फिल्म एंड या सो वेरी एक्साइटेड. रंजीत सर, जानना चाहूँगा कि जो भी एक्टर्स होते हैं कितना अच्छी बात है कि डायरेक्टर के तौर पे उनको अपना, सॉरी सेड अगेन, एज एन एक्टर कितनी अच्छी बात है कि डायरेक्टर के तौर पे अगर वो अपनी किस्मत आजमाते हैं, भले ही उन्हें कामयाबी मिले ना मिले, बट दे शुड ट्राई हैंड एट डायरेक्टर. क्या होता है कि इफ यू आर ऑन द सेट व्हेन यू आर एक्टिंग यू आर ऑब्जर्विंग, इट बिकम्स ईजियर एंड कॉन्फिडेंस होता है आदमी का, यू नो ऐसे निकलता है जो इंटेलिजेंट होता है. देखिए एज एन एक्टर काफ़ी चला, अभी डायरेक्टर चलेगा, ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, पब्लिक से रिक्वेस्ट है, आप पिक्चर देखिए, उसका हौसला बढ़ाइए ताकि नेक्स्ट पिक्चर मुझे भी चांस मिले. सर इज नाउ और पहले भी लाइक आई हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर माय एल्डर ब्रदर, बट आफ्टर वर्किंग विद हिम ऑन दिस फिल्म आई एम वेरी मच हैप्पी एंड ऑब्लाइज्ड के आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. And you always tell me, "Hey, Dinero Ash, you just follow what I tell you." And उसके बाद अगर तेरे को कहीं पर भी कोई कठिनाइयाँ आएगी, you let me know. And I worked on a set with him as an actor, as a movie director, or as a singer or a writer, whatever. But he's a second god to me, just to be honest, because like इनसे तो मैंने बहुत सीखा है. ये मेरी पहली फिल्म है. Or we are missing another director here, Greg John, our writers, Deepika, and rest of the team. Neetu is here, but I'll tell you something. This man on my left side and this man on my right side, yehi hain wo do khufiya insaan jinhone ye sab plan banaya, jinhone isko execute kiya aur itne pyar se execute kiya. Jo puri cast hai aaj hamare saath, wo sab सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस मैन्स हार्ड वर्क. एंड दिव्या, द एक्ट्रेस जो हमारे साथ हमारे काफ़ी गानों में है और पूरी फिल्म में ही है, वो ऑब्वियसली शी इज प्लेइंग द मेजर रोल. अक्षय, एवरीवन डिड सो ग्रेट. नितिन सर हैड प्लेड अ बिग 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 सपोर्ट एंड दिव्या, दिव्या इज ऑलरेडी एंड दिव्या और मैं बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आज मेरी फिल्म का प्रीमियर है, दिस इज माई फर्स्ट मूवी एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई एम होपिंग इट विल डू वेल एंड आगे भी मैं अच्छा प्रोजेक्ट करती रहूं और इससे अच्छा कुछ करूं एंड आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड. और भी कुछ आपको पूछना है तो यू कैन आस्क. सो इससे लाइक शिवाजी का बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूं और इनका भी आज फ्रेंड हुआ हूं, इनको मैं ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूं इस फिल्म के लिए. और मेरी शुभकामना है कि ये फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट जाए और लोगों को शिवाजी माने जो अब तक कलाकार, गंदे कलाकार माने स्वीट और गंदे कलाकार और आज के बैड मैन, तो अब के बाद माने इनको डायरेक्टर के तरफ भी सराहा जाए, उनकी फिल्म देखें. और सुना है, अब देखेंगे, काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई है और ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि नए नए डायरेक्टर्स, नए कलाकार, नए प्रोड्यूसर्स, नए राइटर्स, नए लिरिक्स राइटर्स, सबको आप प्रमोट करें क्योंकि ये सब कुछ आपके हाथ में है हम लोगों को आगे बढ़ाना. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई लिख के नहीं आता कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, मैं बड़ा हूँ. और जब उनका टैलेंट दिखाते हैं तब आपको पता चलता है, तो टैलेंट उनका सरा है और उनका आगे बढ़ने में मदद करे. बाकी ऑल द बेस्ट टू शिवाजी एंड द हीरो. वेरी गुड कॉमिक एक्टर और कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा है. तो मुझे ना ऐसे ऐसे एक्टरों के साथ काम करना है जो अपने आप में ब्रिलियंट एक्टर्स हैं.
है ना. तो प्लीज 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 वॉच दिस फिल्म. या डेफिनेटली वी वांट प्लीज सर प्लीज शिवा से जानना चाहूँ क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस आपका डायरेक्शन का? और सुपर सुपर. अगर भगवान ने चाहा कि अगर ये फिल्म लोगों को पसंद आई तो आई वांट टू वर्क विद सच लेजेंड्स, यू नो आई वांट टू मेक देम एक्ट एंड आई वांट टू मेक माय फिल्म सो बिग दैट विद ऑल दिस एक्टर्स हु हैव प्रूव्ड टू बी अ ब्रिलियंट एक्टर्स सो माय फिल्म गोज फार अवे फ्रॉम द ग्राफ फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप फ्लोर. मैं भी सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा. इसमें नए कास्ट इंट्रोड्यूस भी हुई है, उन सबको मेरी शुभकामनाएं. शिवा मेरा बहुत पुराना दोस्त है और काफ़ी चीज़ें हम शेयर भी करते हैं. इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये उन लोगों में से है जो हार नहीं मानते, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए इसकी कोशिश रहती है. पहले भी इन्होंने एक फिल्म बनाई थी अपने दोस्त के साथ में, तो इस बार इन्होंने अकेले इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. इसका मतलब इन्होंने एक स्टेप ऊपर गए और बड़ा चैलेंज लिया है. तो मेरी दिल से शिवा को और इसकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे. और जहां तक मुझे पता चला बहुत अच्छा रिलीज़ मिला इनको, क्योंकि कुछ नई फिल्मों की प्रॉब्लम्स आती हैं हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं माननी चाहिए. कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला ज़रूर निकालता है, तो इसके लिए भी कुछ अच्छा सोचा है ऊपर वाले ने. तो मेरी शिवा को इसकी पूरी टीम को दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू गाइस. आप जो सब लोग हमें देख रहे हैं यहाँ पर, आप प्लीज़ फिल्म देखने जाइए, क्योंकि ये एक करियर बनने का एक रास्ता है जो ग्राफ बन सकता है. एंड आई प्रॉमिस यू, आप अगर फिल्म देखेंगे तो आप नाराज़ नहीं होंगे, आपको रिग्रेट्स नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फिल्म एंड इट्स अ डिफरेंट क्लाइमैक्स. प्लीज़ गो एंड वॉच ताकि मुझे ब्लेसिंग्स मिले एंड आई कैन वर्क विद सच एक्टर्स जो मेरा ड्रीम है. जरूर जरूर, आप बहुत अच्छे. ये जानना चाहूँगा कि एक्टर के तौर पे मतलब इतने मशहूर है पहले से, क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर के तौर पे तो इतना आसान नहीं रहा होगा किसी प्रोड्यूसर को अपील करना, या यू नो डायरेक्टर जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ाई हो किसी को बताने को, तो क्या वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू कम अक्रॉस द प्रोड्यूसर. या तो मैंने बस हिम्मत नहीं हारी, मैं स्क्रिप्ट बनाता गया और मैंने बजट के हिसाब से स्क्रिप्ट बनाना शुरू किया. तो जब ये प्रोड्यूसर मिले तो इन सब मेरे पास ये एक स्टिमुलेटेड अमाउंट है, उसमें अगर तुम बना सकते हो विच वॉज वेरी लो एंड आई थॉट कि यार मैं हिम्मत नहीं आना चाहिए, अगर मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ तो एक दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन सकता है. और मैंने ऐसे बजट में फिल्म बनाई है जिस बजट में एक एल्बम नहीं बन सकता. बट मेरा भी ये मानना था कि फिल्म बनाते वक्त ऐसी स्लीजी फिल्म ना बने ना सब स्टैंडर्ड बने, क्योंकि जिस तरह का मैंने एज एन एक्टर नाम कमाया और जो सारे बड़े बड़े एक्टर जो मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं एज एन एक्टर एज ए ह्यूमन बींग, वो लोग को ये बोलना चाहिए कि नहीं शिवा यू गॉन वन स्टेप अहेड, तुमने फिल्म को बहुत ही खूबसूरती से बनाया. लेट इट बी इमटेरियल कि क्या बजट था, क्या सीक्वेंसेस थी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थी, बट यू मेड अ फिल्म एंड यू मेड अ मार्क.